एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और बहुत दिनों से मेरे पास इससे के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करिए, और क्या आप यूज़ करते हो और क्यों इतने आपके जो बाल हैं इतने शाइनी होते हैं। और तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना देते हैं जिसमें कि मैं आपसे डिटेल में बात कर पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ। पहली तो आप इस चीज़ के, कई लोग इसको ऑयलिंग ना काफ़ी मतलब अवॉइड इन द सेंस, क्योंकि वो काफ़ी बिजी होते हैं तो वो ऑयलिंग वगैरह नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग मैं वीक में कम से कम 3 to 4 times करती हूँ। बट अगर आपके पास और टाइम है और मीन्स आप अपने हेयर को और अच्छे से करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, तो आप, मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मैं कोई भी चीज़, चाहे मेरा स्किन केयर हो चाहे मेरा हेयर केयर हो, मैं ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाती हूँ। मैं थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स में ही जाना चाहती हूँ या आयुर्वेदिक में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रोडक्ट कोई भी हो आपको, चाहे वो नेचुरल हो या केमिकल हो, बट आपको फ़ायदा ना करे तो नुकसान भी ना करे। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे बाल ना काफ़ी ग्रे हो रहे थे, कुछ कुछ रूट से वाइट हो रहे थे, कुछ कुछ बीच में ग्रे हो रहे थे। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम तो आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा है, और जैसे अभी बारिश का मौसम और ये जो होता है मॉइस्चर का मौसम, उसमें बाल बहुत झड़ते हैं। तो मैं भी इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, मेरे भी ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मुझे एक प्रोडक्ट मिला जो मैं 5 to 6 months से कंटिन्यूअसली यूज़ कर रही हूँ, और मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे कि मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने लगी है। और जो बीच बीच में जो स्प्लिट एंड्स और जो बीच में जो बाल आते टूट जाते थे, वो भी प्रॉब्लम मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गई है। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर्स, तो अभी कोई ऐसी वाइटनेस नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप नेचर श्योर का, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये ISO सर्टिफाइड हैं और इनके पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये थंबा हेयर ऑयल यूज़ किया है, तो इसमें क्या है, एक तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से ये इम्प्रूव करता है, दूसरा कि जो आपके ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, जो वाइटनेस आ रही है बालों में और जो हेयर फॉल है, उसको ये काफ़ी कम करता है। और जो एक गर्ल्स को चाहिए होता है ना वॉल्यूम, मैंने कई बार गर्ल्स को ऐसा सुना है कि उनको ऐसी हेयर कट चाहिए होती है कि अच्छा सा वॉल्यूम दिखे, क्योंकि ये दिखना किसको नहीं पसंद होता है, और जो एक शाइन बालों में चाहिए होती है, तो मैंने इसको यूज़ किया है। वैसे आपको इसको डेली यूज़ करोगे, कम से कम 15 मिनट्स आप इसको रूट्स में अच्छे से स्कैल्प में मसाज सी करोगे तो और अच्छा फ़ायदा है, बट मैं इसको वीक में 3 to 4 days करती हूँ। तो आप ऑयलिंग जैसे करते हो नॉर्मल, आप वैसे ही ऑयलिंग कीजिए और नेक्स्ट डे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और क्या कर। नेचर श्योर का है थंबा वंडर हेयर ऑयल, और ये देखिए इस तरीके की पैकिंग में आता है। आप इसको ऐसे खोलेंगे तो इस तरीके की ये प्लास्टिक की बॉटल आएगी, और बहुत अच्छी पैकिंग में आता है ये बॉटल, एक तो टूटने वाली नहीं है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। पहली बात तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है ये थंबा, और ये थंबा एक तरीके का फ्रूट होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ डेजर्ट फ्रूट होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट फ्रूट होता है, जो आपके हेयर टॉनिक के एक जैसे हब में काम होता है आयुर्वेदिक में, और इसको ना बटर एप्पल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली जो हमारे जो बालों के लिए चाहिए होता है, वो हेयर ग्रोथ के लिए हमें एनाजन चाहिए होता है, और जो बालों की ट्रांजिशन जो स्टेजेस चेंज होती है उसके लिए कैटागन और टैलोगेन होता है फॉलिंग ऑफ को रोकने के लिए, और न्यू हेयर के लिए हमें एनाजन चाहिए होता है। तो ये पूरी जो साइकिल होती है ना ग्रोथ की, पूरे जो बालों की होती है, ये उसको पूरे को फॉलो करता है। तो बाकी आप ऐसा है कि इसको ये देख सकते हैं, जिन लोगों के बालों से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, और कई लोगों को इस तरीके से धीरे धीरे बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको थंबा मैं रिकमेंड करूंगी कि थंबा वंडर हेयर ऑयल आप जरूर से जरूर यूज करिए। तो ये देखिए, अच्छा आप इसमें ये लिखा भी हुआ है अच्छे से कि हाउ टू यूज। तो देखिए, जेंटली मसाज ऑन स्कैल्प एंड हेयर फॉर 15 minutes एवरी डे। आपको 15 minutes एवरी डे करना है, सो दैट कि जो हेयर है ना वो अच्छे से आपके रूट्स के हेयर फॉसल्स में चला जाए विद योर स्कैल्प, और केमिकल फ्री हो जाए। और उसके बाद क्या है कि आप किसी भी केमिकल फ्री नेचुरल शैम्पू से, आप चाहो तो इनका भी शैम्पू यूज कर सकते हो, आप लिंक मैं दे दूंगी तो आप वहां से ले सकते हैं, और तो वहां से आप शैम्पू उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज करके देखिए, आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा तो यही सजेशन है कि आप उससे निजात पा लेंगे।
तो आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने करीब तुरंत तो नहीं मुझे मिला था, बट मैंने जब 3 to 4 months यूज़ किया तो मुझे उसका असर दिखने लगा था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, और उनकी खुद की जो साइट है वो उसमें भी अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।